हम संसार में आते हैं, अपना घर अपना गाड़ी, जब से आए तब से लेकर के अभी तक वही चल रहा है कि थोड़ा सा पैसा कमा लूं, अपने लिए बच्चों के लिए थोड़ा सा सेविंग कर लूं, बैंक में बैलेंस जमा कर लूं, यही सब तो कर रहे हैं। दो चार प्लॉट ले लेता हूं ताकि बाद में बच्ची के शादी के लिए काम आएगा, दहेज के लिए काम आएगा। ऐसे सोचते सोचते जीवन के 40 साल बीत गया। फिर बाद में इतना कमाने के बाद भी मन नहीं भरा, फिर भी सोच रहे हैं कि और ज्यादा कमाई करना जरूरी है, बच्चों के लिए काम आएगा, अगर इतना कमा करके रखूंगा तो मेरे बच्चे आराम से खाएंगे। देखो, बच्चों का पालन करना, उनको पढ़ाना माता पिता का कर्तव्य है, लेकिन आप उनके लिए भी जोड़ करके रखने की विचार बना रहे हो, जोड़ रहे हो, तो आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका जीवन पूरा इसी में बीत गया कि बच्चों के लिए ये भी कमाऊं वो भी कमाऊं, इतना पैसा धन एकत्रित करके रख दूं, लेकिन आपने उस कमाई के चक्कर में अपना कमाई छोड़ दिया, यानी भजन रूपी कमाई को आप छोड़ रहे हैं। इसी में जीवन बीत गया, जाने का टाइम आया और देखा तो आपने अपने लिए भजन भगवान के नाम रूपी बैलेंस को थोड़ा सा भी बनाया नहीं है, और जब वहां जाएंगे तो भगवान से क्या कहेंगे। अगर आपको वहां पर अपनी सीट कंफर्म करनी है तो अभी से लेकर के भजन करना प्रारंभ करिए। यहाँ के पैसे यहाँ के धन केवल संसार में काम आएगा, लेकिन आप जो 3 घंटे यहाँ पर सत्संग करते हैं ना, जो भजन करते हैं ना, ये भजन वहां पर काम आने वाला है। इसलिए ऐसा कोशिश करिए, जीवन में ऐसा धन कमाने की कोशिश करिए जो केवल संसार में ही नहीं परलोक में भी काम आए, और वो धन कोई और नहीं केवल भगवान श्री राम जी के नाम रूपी धन है।